सी इंडिया में जो गेमिंग है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जब से भाई बैटल रॉयल गेम्स पबजी मोबाइल आया है इंडिया में गेमिंग को काफी लोग जानने लगे हैं। बच्चे बच्चे को भी अगर पूछ लोगे कि भाई तूने कौन सा गेम खेला है तो वो ये जरूर बोलेगा कि मैंने पबजी मोबाइल गेम जरूर खेला है। बाकी गेम्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। जैसे हमारे टाइम में होता था कोई भी हमसे पूछता था कि आपने कौन सा गेम खेला है, तो ज्यादातर हमने जो पहले सिंपल फोन थे नोकिया में स्नेक वाला गेम खेला था। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी तरक्की हुई थी तो भाई नॉर्मली हर बंदा यही बोलता था कि मैंने टेम्पल रन और सब्वे सफर दोनों गेम्स है वो खेले हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन अगर आज की डेट में आप किसी बच्चे से पूछते हो तो भाई उसके मुंह पे सिर्फ पबजी मोबाइल ही होगा। हालांकि इसकी वजह से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको टॉप 5 बैटल रॉयल गेम्स बताऊंगा जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा पहले नंबर का गेम आता है वो है पबजी मोबाइल। नॉर्मल सी बात है भाई, हम इसी को रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से ही बैटल रॉयल गेम्स है वो ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। भाई काफी पॉपुलर है, सेकंड एनिवर्सरी अपडेट भी आ चुका है जिसमें काफी नई चीजें ऐड की गई हैं, जिसके बारे में आप प्ले स्टोर पर जाके पढ़ सकते हो, तो इस गेम को डाउनलोड जरूर करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। कॉल ऑफ ड्यूटी का भाई नाम ही काफी है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी ने भाई जो इतने सालों से इतने सारे गेम्स लॉन्च किए हैं, इतनी सारी इज्जत कमाई है, वो इस गेम में रख भी दी क्योंकि ये गेम बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था भाई। इतनी ज़्यादा डाउनलोड होने से एक हफ्ते में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन इसका जो बैटल रॉयल है वो इतना खास किया, लेकिन मल्टीप्लेयर लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो आप इसके एक बार मल्टीप्लेयर जरूर खेलना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा तीसरा गेम आता है वो है गुडीनम फ्री फायर। दोस्तों एक ऐसा गेम है जिसके ग्राफिक्स लेवल तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई इसका साइज भी देखो कि पबजी के मुकाबले कंपेयर करते हैं काफ़ी लोग, भाई पबजी का साइज देखो कहाँ पे, इसका साइज कहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भाई ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये सभी डिवाइसेस में ये वाला गेम है वो वर्क कर जाता है। इस चीज़ का इसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला भाई, बहुत ज़्यादा डाउनलोड है पबजी को डाउनलोड के मुकाबले में ये गेम टक्कर भी देता है भाई, आप खुद सोच नहीं सकते। लेकिन ग्राफिक्स, लेकिन एक चीज़ इनकी अच्छी है, नई नई जो चीज़ें आती हैं गाड़ियों में अपग्रेड ये वो, ये सबसे पहले लाता है। इस गेम की ये खासियत है जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आई। इस लिस्ट में ना चाहते हुए भी फोर्टनाइट को तो ऐड करना ही पड़ता है क्योंकि ये इंडिया में तो इतना ठीक ठाक सा पॉपुलर है, लेकिन अगर आप भी और गेम देखोगे भाई तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसके मुकाबले में। फोर्टनाइट थोड़ी बहुत तो पॉपुलरिटी इसकी भाई है ही, हालांकि गेम बुरा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है ये सभी डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है। सिर्फ इसी वजह से ये गेम थोड़ा सा पछड़ है, लेकिन गेम बुरा नहीं है, अगर आपकी डिवाइस में कंपेटेबल है तो जरूर खेलें। और दोस्तों आज की लिस्ट में जो हमारा लास्ट गेम आता है वो है साइबर हंटर। इसको फोर्टनाइट की काफ़ी लोग सस्ती कॉपी बोलते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई पहले बोलता था बात अलग थी, लेकिन भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है ग्राफिक्स के मामले में और जो गेम प्ले वो भी काफ़ी अच्छा बनाया है। इसमें भी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है वो चीज़ें देखने को मिलती है और जो करेक्टर कस्टमाइजेशन है वो भी मेरे को काफ़ी पसंद आई। तो अगर आपके पास भी एक नॉर्मल सा डिवाइस है आप फोर्टनाइट नहीं खेल सकते तो आप साइबर हंटर को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, काफ़ी छोटा सा वीडियो था